हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू आवर लेक्चर्स ऑन क्लास 8 फॉर साइंस CBSE। वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव टॉक्ड अबाउट फूड न्यूट्रिशन, सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। सो वॉट एवर द फूड मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो भी फूड मटेरियल हम प्लांट से लेते हैं या प्लांट से हमें मिलता है, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। क्रॉप, यू अंडरस्टैंड क्रॉप, जो भी खेती है उसे हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, एंड वॉट एवर द क्रॉप इज प्रोड्यूस हाउ वी मैनेज इट, किस तरीके से हम उसे मैनेज करते हैं, उन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ चैप्टर रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब किस तरीके से खेती की जाती है। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वॉट आर दिस प्रोसेसेस, किस तरीके से एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, विल टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। देन विल टॉक अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो कि छोट बहुत बेसिक टाइप है, आप घर में भी उसे यूज कर सकते हो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वॉट एवर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिक एग्रीकल्चर। नॉट हम लोग एडवांस एग्रीकल्चर नहीं पढ़ने वाले, बेसिक एग्रीकल्चर। देन प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सो ऑल दिस पॉइंट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल डिटेल में हमें देखना है। देन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, लाइक एग्रीकल्चर में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सब पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पर ट्रैक्टर का फोटो बना है। देन सोइंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देन किस तरीके से हम एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर क्या होता है। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ वी यूज दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, की क्रॉप को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। देन हियर इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का क्या डिफरेंस होता है, और फिर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। देन विल टॉक अबाउट इरीगेशन, लाइक यू अंडरस्टैंड, कोई भी हम प्लांट ग्रो करते हैं तो वहाँ पर हमें वाटर भी प्रोवाइड करना होगा, तभी प्लांट ग्रो होगा। दैट मीन्स इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स जब हम सॉइल, जब हम क्रॉप के लिए वाटर सप्लाई प्रूफ प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इरीगेशन कहेंगे। सो हाउ वी डू द इरीगेशन, इतने बड़े लैंड पर हम पानी का सप्लाई कैसे करेंगे, सोर्सेज क्या हैं इरीगेशन के, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। देन विल टॉक अबाउट डिफरेंट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो पुराने लोग, जो पहले के लोग यूज़ करते थे, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन, मतलब जो आज लेटेस्ट ट्रेंड है, लाइक स्प्रिंकल्स सिस्टम एंड ऑल ऑल दैट, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आज हम कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ चुका है। ओके, देन विल टॉक अबाउट जब क्रॉप प्रोड्यूस हो गया तो उसमें कुछ कीड़े लग जाए, कुछ उसमें इंसेक्ट लग जाए, या फिर उसमें कोई अदर वीड्स लग जाए, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज वन ऑफ द टॉपिक। देन हाउ वी कट द प्रोडक्ट, जो भी हमारा क्रॉप बन चुका है उसे हम कटिंग कैसे करेंगे, उसमें से प्रोडक्ट हमारा कैसे निकालेंगे, तो दैट इज हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप बाय डिफरेंट मेथड्स विल टॉक। एंड हार्वेस्टिंग होने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि उसे हम स्टोर कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दिस क्रॉप, इस क्रॉप को हम कहाँ पर और किस तरीके से स्टोर करेंगे कि वो सेफ रहे और बहुत दिनों तक चले। ओके, सो स्टोरेज के बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर। तो ये सब हमारा हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के बारे में। एंड फाइनली हम फूड फ्रॉम एनिमल, मतलब एनिमल से जो जो फूड हमें मिलता है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द चैप्टर। फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर विद पर्टिकुलर टॉपिक, हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर गेटिंग दिस वीडियोज, आगे के वीडियोज लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो बेल आइकन आएगा उसमें क्लिक कर लीजिए, सो दैट जो भी फर्दर वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।